हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। इसमें मैं आपको क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में पढ़ाने वाली हूँ, और इसके साथ साथ जैसे आज़ाद हिंद फौज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, और साथ साथ जैसे पाकिस्तान मांग है उसके बारे में हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है अगर आपने पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाकर आप हमारी पहले वाली क्लासेस चेक कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं, इस क्लास को ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। इसके बाद हमारी शायद एक क्लास और बनेगी, इसके बाद हमारा जो कैबिनेट तक का है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मतलब जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक है, संविधान बनने तक का, देश आज़ाद होने तक का, वो सारा इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको कराऊंगी भारत में जो विदेशी कंपनी आई थी उनके बारे में, और साथ साथ जो सारे के सारे ब्रिटिश गवर्नर जनरल रहे हैं उन सब के बारे में। तो वहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ऐसे आपकी सोशल साइंस में पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, और साथ साथ आपका मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। पहले वाली क्लासेस नहीं देखी है तो आप जरूर देख सकते हैं उन क्लासेस को। तो यहाँ पर अब स्टार्ट कर देते हैं हम क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन। ये हमारा पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पहले वाले एग्जाम में आए हुए हैं। और इसके साथ साथ जैसे गांधी जी से रिलेटेड मैंने आपको मोस्ट ऑफ पढ़ा दिया है, गांधी इरविन समझौता पढ़ा दिया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पढ़ा दी है। अब हमारा जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो नेक्स्ट वीडियो में कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा पढ़ लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चाहे इसका सेक्शन हमारी हिस्ट्री में थोड़ा कम दिया गया है एज़ कम्पेयर टू अदर, मतलब ये ऐसा टॉपिक था जो ज़्यादा हमें पढ़ाना चाहिए था, हमें बताना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में बहुत कम दिया गया है। लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो हम सारा पढ़ लेंगे। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में भारत में कांग्रेसी राष्ट्रवाद के समानांतर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का भी उदय हुआ था। यानी कि उस समय में जैसे कांग्रेस एक्टिव थी, कांग्रेस अंग्रेजों के साथ में बोलचाल रखती थी, मतलब देश को आज़ाद करवाने के लिए संवैधानिक तरीके से अपनी मांगे रखती थी, उसी तरीके से उनके समानांतर एक और क्रांतिकारी दल उभर कर सामने आ रहा था। लेकिन इनकी विचारधारा जो थी वो कांग्रेस से बिल्कुल डिफरेंट थी। जहाँ पर कांग्रेस संवैधानिक तरीके से देश को आज़ादी दिलाना चाहती थी, उसके मतलब अपोजिट, खिलाफ तो नहीं कह सकते, उसके अपोजिट दूसरी तरफ, मतलब दोनों की विचारधाराओं में डिफरेंस था। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी ऐसे थे जो इनके तौर तरीकों से देश को आज़ादी नहीं दिलाना चाहते थे। तो 1922 में जब असहयोग आंदोलन हुआ, मैंने आपको बताया था 1922 के असहयोग आंदोलन में बहुत सारे युवाओं ने पार्टिसिपेट किया था, बहुत सारे युवा इसमें आए थे, बहुत सारे लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी थी, कॉलेज छोड़ दिए थे, स्कूल छोड़ दिए थे। लेकिन उसका रिजल्ट क्या निकला, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, जिसके बाद में जो युवा थे वो थोड़े मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं निराश हो गए थे। तो 1922 के असहयोग आंदोलन से उत्साहित युवकों ने, उनमें से कुछ ऐसे थे जो अपना अलग से क्या कर रहे थे, जैसे क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की ओर बढ़ रहे थे। तो उनमें से 1922 के बाद असहयोग से उत्साहित युवकों ने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया था। तो उनमें से ये कुछ थे जो क्रांतिकारी गतिविधियों में क्या कर रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में, तो ये आपको याद रखना है किसकी अध्यक्षता में पार्टी का गठन होगा, चंद्रशेखर आजाद। अक्टूबर 1924 के आसपास की बात है, इस समय में चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में हुई। इसके मुख्य मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्रनाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खान, ये सारे के सारे इसके क्या थे, मेंबर्स थे। तो ये आपको याद रखना है, अक्टूबर 1924 में चंद्रशेखर आजाद जी की अध्यक्षता में एक पार्टी का गठन होता है, एक एसोसिएशन बनती है जिसका नाम दिया जाता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, यानी कि HRA। इसे हम शॉर्ट फॉर्म की बात करें तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HRA भी बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है, कानपुर में हुई है। इसके प्रमुख मेंबर्स में से राम प्रसाद बिस्मिल होते हैं, इनके साथ सचिंद्रनाथ सान्याल होते हैं, और साथ साथ अशफाक उल्ला खान होते हैं। तो ये आपको याद रख लेना है, अगर आपसे पूछा जाए हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद को जाता है। इन्होंने कब इस पार्टी का गठन किया था, 1924 में इस पार्टी का गठन किया।
इसके बाद इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में 8 अगस्त भी लिखा है और किसी किसी बुक में 9 अगस्त भी लिखा है। तो इस संस्था के सदस्यों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में सरकारी खजाने को ले जाती हुई 8 डाउन रेलगाड़ी को लूटा था। तो यहाँ पर जो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसके सदस्यों ने क्या किया, काकोरी रेलगाड़ी को लूटा था। मतलब कई बार काकोरी रेल दुर्घटना के नाम से भी जानते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि काकोरी जो कांड था वो कब हुआ था, तो 1925 में काकोरी कांड होता है और ये किसके द्वारा किया जाता है, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, सचिंद्रनाथ शानियाल, ये सभी के सभी इसमें शामिल होते हैं। तो ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है काकोरी वाला, काकोरी रेल दुर्घटना वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रख लेना है। काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को क्या दे दी गई, फांसी दी गई थी। तो इसमें से जैसे चंद्रशेखर आजाद थे वो बच निकले थे, तो काकोरी कांड के आरोप में किसे किसे फांसी दे दी गई, ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ये तो शायद HCS के एग्जाम में था तब मुझे याद है, उसमें ना ऐसे ऑप्शन बनाकर दिए गए थे कि बताइए काकोरी कांड में से कौन से ऐसे थे जिन्हें फांसी नहीं दी गई थी, तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो उसमें कंफ्यूज हो गया था। तो काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल, राजेंद्र लाहड़ी को क्या दे दी गई, फांसी दी गई। तो इसके बाद अशफाक उल्ला खान स्वतंत्रता संग्राम में फांसी पर लटकने वाले प्रथम मुसलमान थे, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कौन थे में से, फर्स्ट मुसलमान थे जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए फांसी पर लटक गए थे, तो वो थे अशफाक उल्ला खान, और ये किसकी पार्टी में शामिल थे, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी में शामिल थे। तो ये आपको याद रखना है, 1925 में काकोरी रेल दुर्घटना होती है या काकोरी कांड होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के नेतृत्व में, अब यहाँ पर कौन आ गए हैं, भगत सिंह भी आ गए हैं, इनके नेतृत्व में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसे हम HSRA के नाम से भी जानते हैं। पहले ये किसके नाम से था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से था, लेकिन बाद में इसी का ही नाम बदल दिया गया और इसमें क्या ऐड कर दिया गया, सोशलिस्ट, समाजवाद, क्योंकि भगत सिंह जो थे वो समाजवाद से प्रभावित थे। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई, इसे अगर हम शॉर्ट फॉर्म की बात करते हैं तो HSRA के नाम से हम इसे जानते हैं, और इसका गठन कब किया गया है, 1928 में इसका गठन किया गया है। इसके बाद साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज करने वाले पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, राजगुरु और आजाद ने क्या कर दी, हत्या कर दी थी। तो ये याद रखना आपको, साइमन कमीशन के विरोध में किसकी, मतलब किसको मार दिया था इन्होंने, सैंडर्स को मारा था, क्योंकि जब साइमन कमीशन का जब विरोध कर रहे थे लाहौर में सभी लोग, तो उस समय जो ये मतलब सेना का जो भी कह सकते हैं हेड था वो सैंडर्स था, तो उसी ने क्या कर दी, लाठियां चलवाई थी और लाला जी की वहां पर लाठी चार्ज में डेथ हो गई थी। तो जो भगत सिंह थे वो लाला जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर थे, बहुत ज्यादा मानते थे उन्हें, तो उनकी मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी। ठीक है, तो ये याद रख लेना है, साइमन कमीशन के विरोध में सैंडर्स की क्या की, उन्होंने हत्या कर दी थी। इसके बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने, इसके बाद फिर से भगत सिंह आएंगे और बटुकेश्वर दत्त होंगे, उन्होंने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। मतलब ये ना एक तरीके से कोई हिंसा नहीं करना चाहते थे, बस वो डराना चाहते थे, डर पैदा करना चाहते थे उनके मन में। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को क्या किया, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका। इसके बाद 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ में क्या हो गए, शहीद हो गए। तो चंद्रशेखर आजाद को काकोरी कांड में क्या नहीं हुआ, मतलब इनको फांसी नहीं दी गई थी, उसमें इनकी पार्टी के सदस्य शामिल थे जिनको क्या दे दी गई, बाद में फांसी दे दी गई, जिसमें अशफाक उल्ला खान जो थे वो पहले मुस्लिम थे जिन्हें मतलब स्वतंत्रता संग्राम में फांसी दी गई थी। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के एल्फ्रेड पार्क में एक मुठभेड़ में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो यहाँ पर किसकी डेथ हो जाती है, चंद्रशेखर आजाद जी की डेथ हो जाती है और ये एक मुठभेड़ में क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। इसके बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर जेल में क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है, क्योंकि ये सैंडर्स की भी हत्या की थी इन्होंने और इसके साथ जैसे असेंबली में बम फेंका था
तो उसके बाद में इन्हें क्या कर दिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर इन्हें फांसी दे दी जाती है। तो 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को लाहौर जेल में क्या दे दी जाती है, फांसी दी जाती है। तो आपसे पूछा जाए कि इन्हें कहाँ पर फांसी हुई है, तो लाहौर जेल में फांसी हुई है, तो याद रखना है, ठीक है। इसके बाद सचिंद्रनाथ सान्याल ने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी थी। ये भी इन्हीं की पार्टी के सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, काकोरी कांड में आगे रहे थे ये सचिंद्रनाथ सान्याल। इन्होंने बंदी जीवन नामक पुस्तक लिखी और भगत सिंह ने एक पुस्तक लिखी है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। भगत सिंह की बुक्स इतनी अच्छी हैं, अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो आपकी विचारधारा बदल जाती है, आपका थॉट प्रोसेस बदल जाता है। तो भगत सिंह की जितनी बुक्स हैं आपको पढ़नी चाहिए, ज़रूर पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छा लिखा है इन्होंने। तो भगत सिंह ने क्या लिखा है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। और भगत सिंह ने ना जाने कितनी सारी बुक्स पढ़ी थी, ये जब जेल में थे तब भी ऐसा कहा जाता है कि मतलब जैसे इनको फांसी होने वाली थी तब भी बैठकर बुक पढ़ रहे थे, और उन्होंने कहा कि बस मैं अपना ये एक पेज खत्म कर लूँ, इसके बाद आप मुझे ले जाइएगा। तो इतना मतलब इतना प्यार था इन्हें अपनी पुस्तकों से, मतलब इन्होंने ऐसे बहुत सारे देशों के लिटरेचर भी पढ़े थे, साहित्य पढ़े थे, सबके बारे में जाना था, जैसे कार्ल मार्क्स से प्रभावित थे, लेनिन से प्रभावित थे, तो इनके बारे में आपको भी जरूर जानना चाहिए। तो भगत सिंह ने मैं नास्तिक क्यों हूँ नामक पुस्तक लिखी थी, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद सेकंड आ जाता है प्रांतीय विधानमंडल चुनाव, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो प्रांतीय विधानमंडल चुनाव जो है वो 1937 में होते हैं, 1937 में विधान मतलब 1937 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए। तो इनमें से ना 11 सीट्स पर चुनाव हुए थे, उनमें से उस समय में 8 सीट जो है वो कांग्रेस के हिस्से आई थी और 3 सीट जो है वो मुस्लिम लीग के पास में चली गई थी। तो उस समय कांग्रेस जो है वो एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। तो 1937 के ये प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव थे जिसमें कांग्रेस ने 8 प्रांतों में क्या किया, अपनी सरकार का गठन किया। लेकिन 3 ऐसे प्रांत थे जहाँ पर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, वहाँ पर कांग्रेस अपनी सीट्स नहीं बचा पाई थी, तो वो वहाँ पर मुस्लिम लीग एक्टिव रही थी। तो 1939 में 1937 में चुनाव होते हैं, लेकिन 2 साल के बाद ही 1939 में जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, तो उसके बाद जो ब्रिटिश सरकार होती है वो भारत को फिर से सेकंड वर्ल्ड वॉर में धकेल देती है। तो उसके विरोध में जो कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मंत्री परिषद के सदस्य थे, वो क्या कर देते हैं, इस विरोध में इस्तीफा दे देते हैं। तो 2 साल बाद ही क्या कर देंगे, ये इस्तीफा दे देंगे। 1939 में कांग्रेस मंत्री परिषदों ने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत को शामिल करने के विरोध में अपने पदों से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो ये याद रख लेना है 1939 में क्या दे दिया इन्होंने, इस्तीफा दे दिया। 15 नवंबर 1939 को प्रांतीय विधानमंडल के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को अपना क्या मनाया, मुक्ति दिवस मनाया। तो इसको इनको ऐसे हो गया कि हमें यहां से मुक्ति मिल गई है। तो मुस्लिम लीग उस समय में कांग्रेस के थोड़े अपोजिशन में चल रही थी, क्योंकि ये ऐसा समय था जब बाद में 1940 में तो ये अलग से पाकिस्तान की मांग कर देंगे, तो इनके बीच में कुछ भी सही नहीं था। जिन्ना की अपनी अलग विचारधारा थी, कांग्रेस की अपनी अलग विचारधारा थी। तो 15 नवंबर 1939 को क्या होता है, प्रांतीय विधानमंडल से इस्तीफा देते हैं, और यहाँ से इस्तीफा देने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को अपना क्या मनाते हैं, ये मुक्ति दिवस मनाते हैं। इसके बाद जो 3 सीट्स थी मैंने आपको बताया था, 8 प्रांतों में किसकी सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, लेकिन 3 ऐसी स्टेट थी, मतलब 3 ऐसे प्रांत थे जहां पर कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई थी। तो ये 3 सीट कौन सी थी, जैसे सिंध था, पंजाब था, बंगाल था। तो आपसे पूछा जा सकता है, ये जरूरी है, 3 सीट कौन सी थी, तो उसमें सिंध, पंजाब और बंगाल, ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर थोड़ी मुस्लिम आबादी रहती थी, जो कांग्रेस के पक्षधर नहीं थी, पंजाब और बंगाल में, ठीक है, ये याद रखना है। 3 सीटों पर इनकी जीत रही थी। 1939 में एससी बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया था। तो ये भी याद रख, ठीक है। तो जैसे ये आपके ये प्रांत थे, जैसे सिंध था, पंजाब था, बंगाल था, यहाँ पर ना पंजाब में तो यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी, सिंध में जैसे कृषक पार्टी थी एक, उसका गठन, उसकी सरकार बनी, और बंगाल में मिलीजुली जैसे मुस्लिम लीग और ये सारी सबने मिलकर सरकार बनाई थी। तो इन सबका इसमें क्या था, योगदान था। इसके साथ साथ असम भी एक ऐसा स्टेट था जहां पर मिलीजुली सरकार का गठन किया गया था। तो ये आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके साथ साथ 1939 में एससी बोस ने कांग्रेस, मैंने आपको बताया था त्रिपुरी अधिवेशन के बारे में, तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारामैया जो है उन्हें अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो इलेक्शन जीत गए थे, और इसके बाद जो गांधी जी हैं वो कैसे बैठ गए, धरने पर बैठ गए कि मतलब पट्टाभी सीतारामैया को क्या नहीं बनाया, अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया, ये सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष क्यों बन गए। तो इस बात से जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने क्या दे दिया, अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया।
और यहाँ से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने किसका गठन किया, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। इसमें विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे, यानी कि इसमें ना गिरफ्तारी करनी थी, अपने आप गिरफ्तारी देना। तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को किसका आरंभ किया, व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ किया। इसमें विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में मतलब जेल गए थे। तो विनोबा भावे पहले आदमी थे, इसके बाद जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सेकंड नंबर पर थे। तो गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को क्या शुरू किया है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया है। इसमें पहले जाने वाले व्यक्ति कौन है, विनोबा भावे हैं, और सेकंड नंबर पर जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके बाद है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे जाता है, कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है। जुलाई 1934 में सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया था। तो यहाँ पर याद रखना है जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने किसका गठन किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था, लेकिन साथ साथ एक पार्टी और थी जिसका नाम था आज़ाद हिंद फौज। तो इसकी स्थापना का अगर श्रेय पूछा जाए तो वो कैप्टन मोहन सिंह को दिया जाता है, लेकिन अगर सेनापति की बात की जाती है तो इसके सेनापति कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया। तो ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पर लक्ष्मीबाई के नाम से महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया। तो आज़ाद हिंद फौज में किसकी एंट्री भी शामिल थी, महिलाओं की भी एंट्री थी, और इसमें महिलाओं के लिए अलग से रेजिमेंट बनाया गया था। जैसे आज आप अलग अलग रेजिमेंट देखते हैं, तो वैसे ही उस समय में महिलाओं के लिए एक अलग से रेजिमेंट बनाया गया, जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया। इसके साथ साथ इसमें तीन ब्रिगेड के नाम पर नाम रखे गए थे, जैसे सुभाष ब्रिगेड है, नेहरू ब्रिगेड है, गांधी ब्रिगेड है, तो ये तीन ब्रिगेड का नाम रखा गया था। इसके बाद 21 अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। तो इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में भी की 1943 में। तो इतना याद रख लेना है। तो बस यहीं तक आपको इसका रीड करना है जो आज़ाद हिंद फौज से रिलेटेड पॉइंट है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं पाकिस्तान की मांग के बारे में। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना ये भी एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। ये जैसे ईयर्स हैं, क्योंकि हम सीरीज में पढ़ते आ रहे हैं तो ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। अगर आपने सीरीज में पढ़ा होगा तो आपको ईयर्स याद रहने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, मतलब आप अच्छे से इसको रिलेट कर पाएंगे अगर आपने इसे सीरीज में पढ़ा है। तो बीच बीच में से मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं, जैसे कल की क्लास में हमने पढ़ा था स्वराज की मांग की गई, लाहौर अधिवेशन हुआ, तो ये सारा बीच में से मैंने आपको पढ़ा दिया था, साइमन कमीशन हुआ, ये सारे बहुत इजी टॉपिक होते हैं, ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आते हैं, तो ये हमें इतनी नॉलेज तो हमें इनकी होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की मांग, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो उसमें हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है कंप्लीट हो जाएगी। फिर दो क्लासेस और रहेंगी हमारी, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल, इसके साथ साथ जो आपके विदेशी कंपनी है उसका टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको स्टैटिक पार्ट में करके पढ़ा दूंगी, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना सारा रिवाइज करा दूंगी एक क्लास बनाकर, उसमें सारे ईयर्स बता दूंगी कि इस ईयर में ये हुआ था, इस ईयर में ये हुआ था, हमने ये पढ़ लिया है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रह जाएगा, क्योंकि आपको उससे ईयर्स याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आई मैं ऐसी उम्मीद भी करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ रहे होगे, ल्यूसेंट की बुक में से भी पढ़ रहे होगे, क्योंकि ल्यूसेंट में से अगर आप पढ़ रहे होगे तो आपको अच्छे से मतलब वो चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था ल्यूसेंट में से ज़रूर पढ़ना है। इसके साथ साथ जैसे पाकिस्तान की मांग है, तो वो कब की गई है, 1940 में की गई है पाकिस्तान की मांग। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का सुझाव सबसे पहले प्रसिद्ध शायर इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग में इलाहाबाद अधिवेशन में दिया था। तो एक शायर थे जो मुस्लिम थे, उन्होंने क्या कहा था कि मुसलमानों के लिए क्या किया जाए, एक अलग से राष्ट्र बना दिया जाए। तो सबसे पहली बार ये जो बात थी हल्के में ले ली गई, ऐसे ही मतलब ऐसे ही बोल रहे होंगे, तो 1930 में ये बात कही गई थी मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, जो ये पाकिस्तान नाम है ये किसके द्वारा दिया गया है। पाकिस्तान नाम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले रहमत अली ने दिया था। इसके बाद जिन्ना ने 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग कर दी। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट यहाँ से आपको देख लेने हैं, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ तक आते आते आपको पता है कि मुस्लिम लीग को बहुत ज़्यादा सीट्स भी नहीं मिल पाई थी, कहीं ना कहीं गठबंधन करके किसी ना किसी के साथ सरकार बनानी पड़ी, पंजाब में यूनियन पार्टी की सरकार थी। ठीक है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं तक आते-आते जो मुस्लिम लीग है उसका बोलबाला कम होने लगा था, उसे ऐसा डर सताने लगा कि यहां पर हमारी अब दाल नहीं गलने वाली है, हमें अपनी अलग से गवर्नमेंट बनानी है, अलग से अपना देश बसाना है, अलग से अपना देश बनाना है।
तो ये सारी की सारी पॉलिटिक्स तब भी चलती थी। तो वही की वही बातें हैं, मतलब जिन्ना अपना देश चाहते थे और यहाँ पर अलग से कांग्रेस अपनी पार्टी चाहती थी। तो ये सारी रिलेटेड पॉइंट थे आपके आज की क्लास के जो मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ये सारी क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, ये ऐसी क्लास है इसमें से ना पहले एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और ये क्लास आपकी इंपॉर्टेंट भी है। जैसे प्रांतीय विधानसभा के विधानमंडल चुनाव है, इनमें से क्वेश्चन आते हैं, सीट्स के क्वेश्चन पूछ लेता है। इसके साथ साथ क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में से जरूर क्वेश्चन आता है, जैसे काकोरी हत्याकांड है, कब हुआ था और मतलब उनको फांसी कब दी गई थी, कौन कौन इसमें शामिल थे, कौन शामिल नहीं थे, पार्टी का गठन कब हुआ था, इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलते हैं। तो ये आपकी हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर हम ख़त्म कर देते हैं। अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपने जितने टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया आपने अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम के चांसेस भी नहीं हैं, अभी तो आपके एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग ही सितंबर तक है, उसके बाद आपके एग्ज़ाम का हम कुछ कह सकते हैं कि 2 महीने या 3 महीने तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप ये लगा कर चलिए कि दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होने के चांसेस हो सकते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। करंट अफेयर्स भी मैंने आपको पहले वाले करा दिए थे, बट ये एग्जाम डेट आगे एक्सटेंड हो गई तो मैंने करंट अफेयर भी वहां तक के ही करा दिया। अब मैं आपको सितंबर से स्टार्ट कराने वाली हूँ करंट अफेयर। जैसे 1 से 15 सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ लिया, फिर 15 से 30 सितंबर तक का करंट अफेयर हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, बट जो मैंने पढ़ाया है ना वो भी हेल्पफुल है। उसमें सारे इंडेक्स, सारी रिपोर्ट, जितनी भी योजनाएं हैं सारी मैंने आपको कराई हैं। इसके साथ साथ स्टैटिक के कुछ पोर्शन है जो रह गया है वो भी मैं आपको करा दूंगी। जैसे हेडक्वार्टर्स का टॉपिक रहता है हमारा, और कुछ योजनाएं हैं जिसमें से क्वेश्चन आते हैं वो वाला टॉपिक रहता है, तो ये मैं आपको करा दूंगी, ठीक है। तब आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू ही रहेंगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस आपका जो मैंने कहा कह रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री करा दी आपको, पॉलिटी करा दी है, तो सोशल साइंस का मोस्ट ऑफ पार्ट आपका कंप्लीट हो गया है। इसके साथ आपका ज्योग्राफी का कुछ सेक्शन है जो रहता है, मतलब ज्योग्राफी में सिर्फ आपको फिजिकल इंडिया का फिजिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, कुछ लेक्स वगैरह पढ़ लेनी है, कुछ रिवर्स पढ़ लेनी है, इतना हो जाएगा। इकोनॉमिक्स में ज़्यादा पढ़ना चाहो तो प्लानिंग कमीशन पढ़ लेना, थोड़ा सा ईवीएस का या सोशल साइंस कह देते हैं हम उसे, उसका टॉपिक पढ़ना चाहो तो उसमें से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल गोल्स, ब्रुटलैंड आयोग, ये सारा पढ़ लेना, तो इतने में आपका सोशल साइंस अच्छा कवर हो जाएगा। तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ इसे शेयर भी कर देना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।